हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ अपॉन द सॉन्ग ऑफ वेल्स। दिस इज रिटन बाय कॉरी मैकनॉटन। और बच्चों, पहले ही वीडियो में हम इस पोएम को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश लाइव कोर्स बुक क्लास 6। सो लेट स्टार्ट। देर आर बेसिकली 3 पार्ट्स, पार्ट ए, बी एंड सी। सो पार्ट ए इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज द सॉन्ग ऑफ द वेल्स। देर आर 3 ऑप्शंस, ए, बी, सी। ए इज वॉक द पोएट फ्रॉम अस्लीप, बी वॉज हर्ड बाय द पोएट एट नाइट, सी डिस्टर्ब हिम एज ही वॉज स्टरिंग। सो आंसर इज ए, वॉक द पोएट फ्रॉम स्लीप। नंबर 2, द ब्लू वेल इज नोन फॉर इट्स, ए इज विसल्स, बी इज लाउड क्राई एंड सी इज क्लिकिंग बर्स्ट। सो आंसर इज लाउड क्राई। आई गिव आंसर्स ओनली ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। नाउ सी, द लो मेलोडिक वेलिंग वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर इज सी, हम बैक वेल। नाउ पार्ट बी, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर बच्चों लाइन दी गई हैं पोएम से ही। द फाइनेस्ट सिंगर इन द सी आई हर्ड अपॉन दिस मॉर्निंग। यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गई, फाइनेस्ट में टी मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप लगा लेना। नाउ बेस्ड ऑन दीज टू लाइन्स देर आर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, हु डज द पोएट रेफर टू एज द फाइनेस्ट सिंगर। तो आपको क्या लगता है फाइनेस्ट सिंगर कौन है पोएट के अकॉर्डिंग? द पोएट रेफर्स टू द हम पैक वेल एज द फाइनेस्ट सिंगर। तो पोएट क्या कहते हैं, फाइनेस्ट सिंगर इन द सी कौन है, हम पैक वेल। बी, व्हेन डज द पोएट हियर द सॉन्ग। तो पोएट ने सॉन्ग कब सुना, आंसर इज द पोएट हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग, उन्होंने सुबह सुबह ये गाना सुना। नंबर 2, दो इट इज फार टू फ्रेयर टूडे विद सच एन ऑफुल वाई। ये लाइंस भी पोएम से हैं। अब इसी के बेस पर देर आर 2 क्वेश्चन। व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पर इस लाइन में इट किसको रेफर किया बच्चों, आंसर इज इट रेफर्स टू द ग्रेट ब्लू वेल। यहाँ पर ब्लू वेल के बारे में बात की गई है। बी इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय एन ऑफुल वाई, इससे क्या मतलब है पोएट का, ऑफुल उन्होंने बोला है। आंसर इज इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वी डू नॉट गेट टू हियर द क्राई ऑफ द ब्लू वेल नाउअडेज। क्या होता है बच्चों, अभी जो है समुद्र से ब्लू वेल जो है डिसअपियर होती जा रही है, उनकी हंटिंग हो रही है, ठीक है, उनको हंट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है उनके ऑयल के लिए, मीट के लिए, तो इसलिए धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने डिसअपॉइंटिंग बोला है एंड ऑफुल वाई बोला है पोएट ने। Now question number C, answer the questions briefly. Number 1 is, why does the poet say a universe was born? First stanza में उन्होंने ये बोला था, universe was born, ऐसे क्यों बोला था? Answer is, the melodious song by humpback whale was the beginning of the music in the sea. समुद्र में बच्चों जो शुरुआत की थी म्यूजिक की, वो humpback whale ने जो साउंड निकाली है, तो मेलोडियस सॉन्ग था हमबैक वेल द्वारा, वो शुरुआत थी। द अदर वेल्स वुड देन जॉइन इन, और बाकी वेल्स ने उनको ज्वाइन कर लिया एंड क्रिएट हारमोनी इन द सी। तो इससे क्या हुआ, समुद्र में एक सौहार्द पैदा हुआ, सामंजस्य, एकता उनकी, यूनिटी। सो पोएट सेज दैट इट सीम्स दैट अ यूनिवर्स वॉज बॉर्न, इसलिए पोएट ने यहाँ पर बोला उन्हें वो अनुभूति हुई कि एक यूनिवर्स का जन्म हुआ है, यहाँ पर एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द मेलोडिक वेलिंग ऑफ द वेल्स अफेक्ट द पोएट। तो जो मेलोडिक वेलिंग थी वेल्स की, उसने कैसे प्रभाव डाला पोएट पर, आंसर इज द लो मेलोडिक साउंड रोजेस द पोएट फ्रॉम हिज स्लीप एंड टच हिज कोर हार्ट ऑफ हिम। क्या हुआ बच्चों, जो सॉन्ग था वेल्स का, उससे क्या हुआ, वो बहुत अफेक्ट हुए एकदम, पहले तो वो उठ गए, अपनी नींद से चौंक गए, और उन्होंने वो जो गीत संगीत जो था, जो उत्पन्न हो रहा था वेल्स द्वारा, उनसे उनके हार्ट को बहुत टच हुआ, डीपली वो टच हो गए, और इनसे काफ़ी उन पर भावनात्मक प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द पोएट रेफर्स टू द ब्लू वेल्स एज अ रेयर एनिमल। तो बच्चों पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि वो ब्लू वेल जो है वो एक रेयर एनिमल है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। द ब्लू वेल्स आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर ऑयल, मीट एंड वेल बोन्स, एज अ रिजल्ट दे आर हार्डली सीन और हर्ड नाउ अडेज। तो बच्चों आजकल क्या हुआ है, ब्लू वेल्स जो हैं कहीं पाई नहीं जा रही हैं,
उनको वो हार्डली देखी जाती हैं या सुना जाता है कि वहाँ पर ब्लू व्हेल होगी, क्योंकि उनका हंट किया जाता है शिकारियों द्वारा उनके ऑयल के लिए, उनके मीट के लिए और उनकी व्हेल्स की बोन्स के लिए। दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, तो वो विलुप्त होने की कगार पर भी हैं। ठीक है बच्चों, ये था ब्लू व्हेल के बारे में, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पोयम अपॉन द सॉन्ग ऑफ द व्हेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, 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 oh